टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन के कोल डिस्पैच का परिवहन निदेशक कार्मिक शैलेंद्र सिंह व निदेशक तकनीकी भूपेंद्र गुप्ता ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया। अमेलिया कोल माइन के अधिकारियों ने बताया कि रेल का रैक जिससे परिवहन हो रहा है उसकी क्षमता 3800 मीट्रिक टन है। टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन के अधिकारियों ने देवरा गांव के ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से ये पहला रैक जो 3800 मीट्रिक टन है जिसको देवरा रेलवे स्टेशन से एनटीपीसी विंध्याचल के लिए रेल मार्ग द्वारा रवाना किया, इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। खुशी है और उसको व्यक्त करने के शब्द नहीं है हमारे पास, जितनी खुशी है। और आप सब लोगों के कड़ी मेहनत से और बहुत अथक प्रयास से ये दिन आया है कि आज हम लोग कोयले का ट्रांसपोर्ट प्रारंभ किए हैं। तो सभी लोग हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से जो आए लोग, डायरेक्टर साहब लोग हैं और अपने अमेलिया कोल माइन के सबको, सभी लोग का मैं आभारी हूँ। और ये जो है कि ये फंक्शन हुआ, अच्छा हुआ, कोल रैक डिस्पैच का है, उसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से शॉर्ट पीरियड में काम किया है, शेड्यूल से पहले काम किया है, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, वो भी टीएचडीसी के लिए जो कि हाइड्रो एक्सपर्ट है। इसके लिए पूरी टीम को भी बधाई और सबसे ज्यादा जितने भी स्टेक होल्डर है, मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि लोकल स्थानीय लोगों के वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।